खेना साहब चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। समीकरण बन रहा है कि वही मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे वो यादव निभाएंगे, जो यादव ओम प्रकाश यादव के वोटर है। नमस्कार, सिवान न्यूज से मैं हूं राहुल। और एनडीए ने अपने प्रत्याशी की सिवान में घोषणा कर दी है। एनडीए की प्रत्याशी वर्तमान दरौंदा विधायक कविता सिंह होंगी। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है टाउन आज तक से धीरेन जी, और इस मुद्दे पर हम लोग इनसे बात करेंगे। धीरेन जी, क्या राय है आपकी इस पर? नमस्कार, एनडीए ने जो अपने प्रत्याशी का नाम घोषित किया है कविता सिंह, वो उससे पहले अगर हम बात करें कि इसके पीछे जो सिवान के लोकसभा सीट को लेकर जो राजनीति हो रही थी और जो यहाँ सरगर्मियाँ थी, उसमें सबसे पहले ओम प्रकाश यादव की बात आती है। ओम प्रकाश यादव का टिकट जब भाजपा के जो सांसद हैं उनका टिकट कटा और ये सीट जो है जदयू को दिया गया। जदयू को सीट देने के पीछे कई सारे कारण हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये सीट जब जैसे ही जदयू के पाले में आया, कई सारे कैंडिडेटों के नाम आने लगे और सरगर्मियां तेज हो गई। इसमें कई लोग थे जिसमें एक एमएलसी जो है महागठबंधन के वीरेंद्र नारायण यादव, उनका भी नाम आया। संगीता यादव जो जिला पार्षद है उनका भी नाम आया, कई लोगों का नाम आया, इवन अजय सिंह का नाम आया। अजय सिंह प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे थे, अजय सिंह का टिकट लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ से सोशल मीडिया के थ्रू और या यहाँ की पब्लिक में यहाँ के जो ओम प्रकाश यादव जो सांसद हैं उनके तरफ से कुछ चीजें ऐसी आई जो उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड को दर्शाती थी, अजय सिंह के क्रिमिनल बैकग्राउंड को। सबसे निर्णायक रहा जिस दिन उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन किया, जिस दिन सिवान पहुंचे 20 तारीख को, उन्होंने स्टेशन पर यह बयान दिया कि अगर नीतीश कुमार किसी अपराधी को सिवान में प्रत्याशी बनाएंगे तो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। कहीं ना कहीं ये एक दबाव बना इसके लेकर, एंड मौके पर अजय सिंह का नाम हटाकर कविता सिंह का नाम लगाया, नाम हटाकर अजय सिंह का, और ये टिकट जो है कविता सिंह के नाम पे दिया गया। तो कविता सिंह अब महिला प्रत्याशी हैं, वो चुनाव में आ रही हैं और सीधी मुकाबला उनकी होगी राजद के हेना साहब से। तो ये जो समीकरण बन रहा है इसमें कई सारी चीजें हम चर्चा करेंगे एक एक करके। हम लोग बात करें अब कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड पर। कैंडिडेट्स की घोषणा तो हो चुकी है, तो दर्शकों को बताना चाहिए कि कैंडिडेट्स की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या बैकग्राउंड है उनका। सबसे पहले कविता सिंह एनडीए की जो उम्मीदवार है उनके बारे में बताइए। देखिए, कविता सिंह एक तेज तरार महिला है, विधायक है दुर्गा विधानसभा से, और अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो वो पोस्ट ग्रेजुएट है, वहाँ छपरा के ही जो जेपीएम कॉलेज है वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। और अगर एसेट की बात करें जो एफिडेविट में उन्होंने पिछले चुनाव में दिया है, वो उन्होंने 66 लाख रुपए अपने का एसेट अपना उन्होंने एफिडेविट में ये लिखित में दिया हुआ है। अगर बात करें हेना साहब की, तो हेना साहब भी ग्रेजुएट हैं, वो यहाँ गर्ल्स कॉलेज जो है सिवान विद्या भवन कॉलेज है वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने जो अपना एसेट दिया है वो लगभग 7 करोड़ और 40 लाख के आसपास था, उन्होंने समथिंग का एसेट अपना 2014 लोकसभा इलेक्शंस की बात है। बिल्कुल, वर्तमान इलेक्शन जब होंगे नॉमिनेशन मिलेंगे। हालांकि अभी हिना साहब की जो उम्मीदवारी है उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रबल दावेदार वही है आरजेडी से जी। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के राजनीतिक समीकरण की। राजनीतिक समीकरण किस तरह का बैठेगा, जो MY है MY को NDA कैसे भेदेगी, जो ये पूरी रणनीति बनी हुई है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए राहुल जी, एक चीज तो तय माना जा रहा है कि जो ओम प्रकाश यादव का टिकट जो कटा यहाँ से वो, और जदयू को ये सीट दिया गया, तो ओम प्रकाश यादव के समर्थक और ओम प्रकाश यादव ये लोग काफी नाराज हैं, नाराजगी है। ये अलग बात है कि चूंकि ओम प्रकाश यादव के समर्थक कौन है, केवल यादव हैं या और भी कुछ वोटर हैं उनके पास कुछ वोट? देखिए, सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए समर्थक की तो वो यादव ही है। यादव यहाँ पे दो भागों में बटे हैं। यादव की भूमिका क्या है सिवान के राजनीति में, क्या परसेंटेज क्या होगा इनकी? देखिए, यादव लोग जो है वो यादव का एक तो सबसे पहले हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि यादव यहाँ पे दो भागों में है। कुछ जो परसेंटेज है तो वो परसेंट राजद के वोटर हैं और कुछ परसेंट ओम प्रकाश यादव के वोटर हैं। तो जो ओम प्रकाश यादव के वोटर हैं वही निर्णायक होंगे चुनाव में, आने वाले ये जो चुनाव होगा उसमें वही किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। पिछले लोकसभा की बात करें तो 65% यादव वोट बीजेपी के पाले में आए थे, यादव को अपने खेमे में रखा। बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए पिछले 2014 के चुनाव की, तो वोटिंग जो पड़ा था वो 56
परसेंट के आसपास की वोटिंग पड़ी, कुल वोटिंग 56% थी, 8,84,000 के आसपास वोटिंग हुआ था, जिसमें ओम प्रकाश यादव ने 3,72,670 वोट पाया था, लगभग 42%, और जो हिना साहब को वोट पड़ा था वो 2,58,823 वोट पड़ा था, लगभग 29%। जो अंतर था जीत का वो 1,13,847 का था, जो मार्जिनल वोट थे। ये वोट इस इतने वोटों से वो लोग ओम प्रकाश यादव जीते थे। तकरीबन 13% ज्यादा वोट ओम प्रकाश यादव ने प्राप्त किया था हिना साहब से। ऐसे में ओम प्रकाश यादव का टिकट क्यों काट दिया गया, आप क्या लगता है? देखिए, ओम प्रकाश यादव के टिकट कटने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। एक तो जनता में जो उनके प्रति 10 साल से वो सत्ता में इनकंबेंसी बन गई थी, इनकंबेंसी जो बनी जनता में काफी रोष था, उसमें उनका जो कनेक्टिविटी था जनता के साथ वो उसमें दूरियां आने लगी थी, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे जनता से, और उनकी उनके पास जो जनता उनसे रोष दिखाना चाहती थी या कुछ कहना चाहती थी वो अपनी समस्याओं को वो कह नहीं पाती थी, जो वो सीवान में भी कम पाए जाते थे, इसलिए उनके सबसे ज्यादा अगर राजनीति में सक्रिय थे तो उनके लड़के हैप्पी यादव, तो प्रतिनिधि जनता ने अपना चुन के भेजा ओम प्रकाश यादव को, लेकिन जनता के सवालों का जवाब अगर हैप्पी यादव दे रहे थे या जनता तक हैप्पी यादव पहुंच रहे थे, तो इन सब चीजों को लेकर जनता में काफी रोष था। दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं भाजपा दो गुटों में बटी हुई है, उसमें जो एक गुट भाजपा का ये चाहता था कि ओम प्रकाश यादव को टिकट नहीं दिया जाए, जिसका इन्होंने विरोध भी किया, और भूपेंद्र यादव जो समय यहां से सीमा को देखते हुए हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये राजनीतिक समीकरण बनेंगे, किसके जीत के आसार ज्यादा है, दर्शकों को संक्षेप में हमें बताना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर जीत के आसार को देखा जाए तो ये तो यहाँ की ये चुनाव में आने वाला चुनाव ही तय करेगा, यहाँ के जनता ही तय करेगी, लेकिन उम्मीद ये जरूर जताई जा रही है कि यहाँ से जो समीकरण बन रहा है कि वही मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे वो यादव निभाएंगे, जो यादव ओम प्रकाश यादव के वोटर हैं वो अगर राजद में स्विच कर जाते हैं तो ये हिना साहब चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, और अगर ये यादव एनडीए के साथ कंटिन्यू कर जाते हैं तो फिर ये दर्शकों को मैं बता दूं कि वर्तमान जो सांसद ओम प्रकाश यादव ने उन्होंने बधाई दी है कविता सिंह को, अपने फेसबुक पोस्ट लिखकर उन्होंने बधाई दिया है और उनकी जीत की कामना भी की है। क्या लगता है कि वो वोट दिलवा पाएंगे कविता सिंह को, यादव वोट? ये पूरी तरह से ओम प्रकाश यादव जी पे निर्भर करता है कि वो अपने जो उनके वोटर हैं वो उनको वो किस तरीके से कन्विंस कर पाते हैं अपने समर्थकों को। तो पूरा हिंदुत्व के सहारे भी कुछ चुनाव लड़ने के आसार दिख रहे हैं, जिस तरीके से पिछले एक साल से अजय सिंह गेरुआ धारण करके घूम रहे हैं सिवान में या अन्य जगह पर भी, क्या हिंदुत्व की तरफ ले जाने के? ये भी एक बहुत बड़ा आपने राहुल जी सवाल किया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि भाजपा का अगर इतिहास देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व का मुद्दा जो है ये बन सकता है। क्या वोट पोलराइजेशन भी हो सकते हैं? हाँ, उम्मीद किया जा रहा है कि चुनाव के पहले पोलराइजेशन भी करने की कोशिश की जाएगी, और ये सेंसिटिव जिला माना गया है सिवान धार्मिक रूप से, ऐसे में क्या यहाँ पर राजनीतिक ध्रुवीकरण की आसार ज्यादा दिखाई देते हैं क्या? देखिए, यहाँ कुछ भी भविष्य की बातों को तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन राजनीति में सब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अब जनता को ये निर्णय लेना है, जनता को देखना है कि वोट, सबसे दुख की बात है राहुल जी की विकास का मुद्दा ही अब नहीं रह गया, अब सीधे सीधे जाति का मुद्दा लेके ये चुनाव होने जातिगत चुनाव होने जा रहा है। सिवान की राजनीति से जुड़ी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिवान न्यूज़ और टाउन आजतक को आप सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग टाउन आजतक और सिवान न्यूज़ कई सारे वीडियोस आप दर्शकों के लिए लेकर आएंगे, और चुनावी जो मुद्दाएँ हैं और चुनावी जो सरगर्मियाँ हैं उस पर चर्चा करेंगे और आप तक बहुत सारी जानकारियाँ साझा करेंगे। धन्यवाद।